इसके पिछले वीडियो में यूज इफेक्ट हुक्स को सीखे थे, इस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सीखने वाले हैं। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का डॉक्स है, इसके हेल्प से कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सीखने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पहले समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करके आप मल्टीपल कंपोनेंट्स में डेटा को शेयर कर सकते हैं विदाउट प्रॉप्स। इस पिक से समझते हैं, जैसे आप प्रॉप्स यूज करते थे तो app.jsx में कुछ डेटा है, ठीक, ये आपका मेन पेरेंट कंपोनेंट्स है और ये सब चाइल्ड कंपोनेंट है, C1, C2, C3 और C3 में भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। app.jsx से कुछ डेटा आपको C7 में पास करना है और कुछ डेटा C8 में पास करना है। तो प्रॉप्स में क्या करते थे, पहले आपको C3 में देना होगा, देन C3 C4 को देगा, देन C4 C5 को देगा, C5 C7 को देगा। ये डेटा डायरेक्ट C7 को नहीं आएगा, फिर C4 को मिलेगा, देन C5 को, उसके बाद C7 को मिलेगा। तो ये प्रॉप्स ड्रिलिंग हो गया, हर कंपोनेंट से पास होते हुए उसको डेटा मिलेगा। तो इस प्रॉप्स ड्रिलिंग को ख़त्म करता है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इसमें डायरेक्ट डेटा पास होता है जिस कंपोनेंट को चाहिए, C7 को डेटा चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई डायरेक्ट डेटा को सेंड करता है। तो इस तरह से आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्क करता है। प्रॉप्स भी अच्छा है, बट आप प्रॉप्स को ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादा आपके पास डेटा है तो डेटा को मैनेज नहीं कर सकते या डेटा को पास नहीं कर सकते। एक या दो कंपोनेंट्स हुआ तो आप प्रॉप्स यूज़ कीजिए, ज़्यादा कंपोनेंट्स है, आपके पास ज़्यादा डेटा है तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कीजिए। कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करना है तो पहले आपको एक फोल्डर बनाना होगा कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर डेटा बनाएंगे और डेटा के अंदर दो फाइल बनाएंगे, mycontext.jsx और myestate.jsx। तो क्रिएट करते हैं, एक फोल्डर बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर बनाएंगे डेटा, डेटा के अंदर बनाएंगे mycontext.jsx और एक और बनाएंगे myestate.jsx। तो ये हो गया, देन क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट इन mycontext.jsx। इसमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से, देन mycontext में क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करेंगे और इस mycontext को एक्सपोर्ट करेंगे। तो mycontext में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे एक mycontext का वेरिएबल बनाएंगे, const mycontext इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो इस mycontext में क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करेंगे, देन mycontext को एक्सपोर्ट करेंगे ताकि दूसरे फाइल में यूज कर सके। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट mycontext, ये हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से इसे क्रिएट करेंगे, देन myestate.jsx में स्टेट को क्रिएट करेंगे। तो पहले आपको इंपोर्ट करना होगा mycontext को जो आपने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे इसे इंपोर्ट करेंगे, देन mycontext.provider का यूज़ करेंगे और इसको रैप करेंगे props.children, जो props यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे इसे रैप करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके पास डेटा है, स्टेट है, वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इस डेटा को यहाँ पे वैल्यू के अंदर देंगे। यहाँ पे स्टेट को पास कर रहे हैं सभी कंपोनेंट्स में। तो क्रिएट करते हैं, माई स्टेट में जाएंगे और RFC करेंगे और इसको कैपिटल करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है mycontext को, तो ये इंपोर्ट हो गया और इसका कैपिटल करेंगे, देन mycontext.provider से props.children को रैप करना है। तो पहले आपको यहाँ से props ले लेना है, props.children को रैप करेंगे तो
तो माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे और प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, ये हो गया। यहाँ पे अब अपने स्टेट या डेटा को क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट स्टेट इक्वल टू ऑब्जेक्ट लेंगे और इसके अंदर नेम देंगे, ये हो गया, और रोल नंबर देंगे। ये हो गया। अब इस स्टेट को यहाँ पे पास करेंगे ताकि दूसरे कंपोनेंट्स में यूज कर सकें, तो यहाँ पे वैल्यू लेंगे और वैल्यू के अंदर स्टेट देंगे। तो ये हो गया, कुछ इस तरह से इसे क्रिएट करेंगे। ये आपका props dot children चेंज होते रहेगा। देन सेकेंड स्टेप में कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करना है, कंपोनेंट्स 1 और कंपोनेंट्स 2। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट 1 ये हो गया, और यहाँ पे RFC करेंगे और एक और क्रिएट करेंगे कंपोनेंट 2। ये हो गया। देन उसके बाद से जो आप माई स्टेट क्रिएट किए हैं उसको app.jsx में रैप करेंगे। यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे कंपोनेंट्स 1 और कंपोनेंट 2, ये दोनों यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे इसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे माई स्टेट को रैप करेंगे ताकि दोनों कंपोनेंट्स में डेटा को यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे माई स्टेट को इंपोर्ट करेंगे, माई स्टेट यहाँ पे रैप कर देंगे माई स्टेट, ये हो गया। अब दोनों कंपोनेंट में डेटा को पास कर सकते हैं। देन सेकेंड स्टेप में कंपोनेंट 1.jsx में यहाँ पे डेटा को गेट करेंगे, तो कंपोनेंट 1.jsx में जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट से डेटा लेना है तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट मेथड को यूज़ करना होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट से आएगा और इसके अंदर माई कॉन्टेक्स्ट को देंगे। तो जो आप क्रिएट किए हैं माई कॉन्टेक्स्ट वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे CLG करके कॉन्टेक्स्ट लिख करेंगे तो यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा, कंसोल पे दिखेगा, नेम है और रोल नंबर है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इस कॉन्टेक्स्ट से डी स्ट्रक्चर कर लेंगे नेम और रोल नंबर को। यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करेंगे तो कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर नेम आ जाएगा और रोल नंबर, और इसको इक्वल कर देंगे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट से इन दोनों को डी स्ट्रक्चर कर लिया गया। अब इसे इजीली यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पे एक H2 लेंगे और नेम, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, और एक और H2 लेंगे और यहाँ पे रोल नंबर और इसके अंदर रोल नंबर दे देंगे। ब्राउज़र पे देखते हैं तो ये देखिए कंपोनेंट 1 में नेम और रोल नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंट 1 को कुछ क्लास देते हैं बीजी ग्रे, तो ये आपका कंपोनेंट 1 है और ये कंपोनेंट 2 है। तो आप इसी डेटा को कंपोनेंट 2 में भी पास कर सकते हैं, तो कंपोनेंट 2 में भी पास करते हैं। कंपोनेंट 2 में भी डेटा को यूज़ करना है तो सेम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, तो कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर माई कॉन्टेक्स्ट को देंगे, ये हो गया। देन कॉन्टेक्स्ट से डेटा को डी स्ट्रक्चर करेंगे, कॉन्स्ट
नेम, रोल नंबर और इसको कर देंगे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट से नेम और रोल नंबर को ले रहे हैं। यहाँ पे H1 लेते हैं और नेम लेंगे और इसे नेम दे देंगे, और एक और H1 लेते हैं और इसमें रोल नंबर देते हैं और इसे इक्वल कर देंगे रोल नंबर से। ये हो गया। और इसका कलर कुछ दे देते हैं बीजी ग्रीन। तो ये आपका कंपोनेंट 2 का हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये कंपोनेंट 1 है और ये आपका कंपोनेंट 2 है। सेम डेटा को दोनों कंपोनेंट्स में यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे जितना भी कंपोनेंट्स देंगे उसमें आप इजीली डेटा को पास कर सकते हैं। पहले प्रॉप्स में क्या होता था कि कंपोनेंट 1 में डेटा पास करेंगे और ये कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 को डेटा पास करेगा, तो वो प्रॉप्स डीलिंग हो जाता था। तो यहाँ पे इजीली आप डेटा को पास कर सकते हैं। आप मल्टीपल स्टेट या मल्टीपल डेटा को पास कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर देना होगा। जैसे माई स्टेट में है, एक और आपके पास डेटा है कॉन्स्ट कलर इक्वल टू रेड, ठीक। तो ये हमारा दूसरा डेटा है, दूसरा स्टेट है, तो इसे पास करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों स्टेट को देंगे या डेटा को देंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट देंगे और दूसरा डेटा कलर देंगे। अब इस कलर को इजीली हम यूज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट 1 में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये कलर भी आ गया, ठीक। तो इस कलर को क्या करेंगे, इससे डी स्ट्रक्चर करेंगे और इस कलर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो माई कलर कलर, यहाँ पे कंपोनेंट 1 में देखिए ये रेड कलर आ गया। सेम वैसे ही कंपोनेंट 2 में भी यूज कर सकते हैं कलर। और यहाँ पे H1 लेंगे, माई कलर, तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करके कंपोनेंट में डेटा को शेयर कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ से आपको डॉक्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।